सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की बड़ी खबर को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी। फटाफट खबरों में देखिए भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबरें। खबरें सियासत से लेकर शहर, गांव, खेत खलिहान व नगर की हलचल। आइए नजर डालते हैं आज मंगलवार की फटाफट खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट विकास यादव पर बड़ा भरोसा जताया है। विकास यादव द्वारा पार्टी के लिए किया गया त्याग का बड़ा फल सपा ने दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बाल विद्याधर विकास यादव को समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष का ताज पहना दिया है। जैसे ही जानकारी जनपद में पहुंची, सपा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आवास पर पहुंचकर बधाई देने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विकास यादव को फूल मालाओं से लाद दिया। इसी तरह हृदय नारायण प्रजापति को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पार्टी का जिला महासचिव घोषित किया गया है। विकास यादव को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सत्यम न्यूज को दी है। भदोही जिले में चार बार के विधायक रहे विजय मिश्रा के जेल जाने के बाद अब धनापुर स्थित जिस आवास पर उनकी पूरी सल्तनत कायम थी, अब वह धीरे धीरे दरकती जा रही है। पत्नी एमएलसी, बेटा कारोबारी, लेकिन रिश्तेदार के मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद 20 सालों से भदोही जिले में राजनीति की सल्तनत पर हुकूमत करने वाले इस विधायक की हुकूमत अब धीरे धीरे खिसकती नजर आ रही है। धनापुर के जिस आवास पर सुबह शाम भीड़ देखी जाती थी, वह अब आवास पूरी तरह वीरान नजर आ रहा है। साथ ही उनके समर्थक भी वहां नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक विजय मिश्रा का सामान धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में बंद हैं। एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा फरार है। भदोही विकासखंड के सेवापुरी गांव में उस वक्त अफरा तफरी व हड़कंप मच गया जब संक्रमण जांच के डर से ग्रामीण भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कुकरौठी के सेवापुरी गांव में संक्रमण जांच के लिए सैंपल लेने पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग के टीम को देखते ही गांव के लोग भाग खड़े हुए। इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसपी भदोही को दी गई, जहां शहर कोतवाल श्रीकांत राय सहित पुलिस बल गांव में पहुंची। गांव पूरी तरह खाली पड़ा था। शहर कोतवाल श्रीकांत राय ने किसी तरह ग्रामीणों को समझाया बुझाया। इस बीच कुछ लोग अपना सैंपल देने के लिए तैयार हो गए। सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित पुलिस फोर्स वापस आ गई। काफी देर तक गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। फिर पता चला कि वहाँ पे अगर वो लोग मना कर रहे थे, सैंपल करवाने के लिए मना कर रहे थे, तो हम एसपी सर को फोन किया, ऐसे चलो प्रशासन इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर वहाँ से लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके हम लोग फिर वहाँ पे सब सही करवाते हैं। वो लोग फिर प्रशासन की मदद से तैयार हो गए, सब करवा रहे सैंपल। लॉकडाउन के दौरान नो स्कूल नो फीस को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावक भदोही शहर के नई बाजार स्थित एक स्कूल पर धमके और जिला प्रशासन सहित स्कूल के जिम्मेदारों से गुहार लगाते हुए कहा कि संक्रमण काल के दौरान जारी लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। लोग संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों की ओर से लगातार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को लगातार फोन व मैसेज किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभिभावक नई बाजार के एक निजी स्कूल पर धमके थे और स्कूल के जिम्मेदारों से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन नई बाजार के इस स्कूल का कोई भी जिम्मेदार नहीं मिल पाया। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राज की चिकित्सालय स्थित संक्रमित मरीजों को रखने के लिए बनाए गए L2 अस्पताल का निरीक्षण किया है। व्यवस्था परखी और जहां खामियां दिखी उन्हें दुरुस्त करने की कड़ी हिदायत दी है। साफ सफाई सहित
एम्बुलेंस को सलीके से खड़ी करने का निर्देश दिया है। कहा कि संक्रमण मामले में लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, भदोही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा पुलिस महकमे के डीएसपी भदोही कालू सिंह, शहर कोतवाल श्रीकांत राय, कस्बा इंचार्ज संतोष राय सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी के रूप में यहां पर आई हूं मैं समीक्षा करने, मंडल के रूप में भी आई हूं। समीक्षा की गई, जो भी यहां पर कोविड के संबंध में प्रयास हो रहे हैं उनकी समीक्षा की गई, किस तरह से सैंपलिंग ठीक से हो रही है नहीं, जो लक्ष्य के अनुरूप है वो हो रही है नहीं। हर टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं, हर टीम 6 दिन में अपना पूरा चक्र कर ले और दोबारा वो काम पे लग जाए, और जो लक्षण युक्त मरीज हैं उनको चिन्हित करना इसका मुख्य एक उद्देश्य है, ताकि समय से उनको इलाज मिल जाए। और उसमें से छांट करके जो जिनके पास 2 बाथरूम हैं, ये अपने मीडिया के माध्यम से भी आप बताइए कि जिनके पास 2 बाथरूम हैं, 2 कमरे हैं, मरीज अलग रह सकता है, वो तो घर में रहेगा जी पूरी प्रिकॉशन के साथ। उसको ये लोग ट्रेनिंग फ़ोन से और हर तरह से सपोर्ट देते हैं, उसको फ़ोन करके उसका हालचाल भी पूछते हैं। लेकिन जिनके घर में सुविधा नहीं, उनके लिए L1 और का हॉस्पिटल चल ही रहा है एक्सपो मार्ट में, और ये L2 का यहाँ पर। वहीं शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के L2 का निरीक्षण मंडलायुक्त व नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला के संग जनपद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी पहुंची थी। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को देखकर CMO ने CMS जय नरेश को फटकारने लगी। अस्पताल में लचर व्यवस्था देख CMO भड़क गई और मौजूद CMS को जमकर खरी खोटी सुनाई हैं। हालांकि इस बीच CMS अपनी सफाई देते रहे। निरीक्षण के दौरान यह बात चर्चा का विषय बना रहा। बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन व सप्ताह में 2 दिन की बंदी का निर्देश दिया गया है। लगभग 5 माह से इस वैश्विक महामारी को लेकर हर तबका रोजी रोटी को लेकर परेशान है, लेकिन भदोही शहर के भरत चौराहा, गोपीगंज स्थित बस अड्डा व रसपुरा कॉलोनी के समीप बड़ी संख्या में प्रतिदिन रोजी रोटी की तलाश में मजदूर तबका पहुंचता है। रोटी की तलाश में पहुंच रहे यह मजदूर महामारी भी भूल गए हैं। इनके सामने भी पेट पालने की बड़ी समस्या है। अगर यह काम न करें तो घर के चूल्हे नहीं जल पाएंगे। ऐसे में इस महामारी को भूलकर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर रोटी की तलाश में इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। पेट की आग के आगे यह महामारी भी मानो भूल चुके हैं। सुबह शौच के लिए निकली महिला रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में पाई गई। परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड चक दीवान गान कोतवाली के पीछे का है। बताया जाता है कि विजय शंकर की 50 वर्षीय पत्नी मालगुजारी देवी सुबह शौच के लिए रेलवे ट्रैक पार करके जा रही थी, जहां घायल हालत में रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला का परिवार बेहद गरीब बताया गया है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के देवाजीतपुर की बड़ी संख्या में कार्डधारक DM दरबार पहुंचकर गांव के कोटे की दुकान की जांच कराने की मांग की है। गांव के संजय कुमार, विनोद, मोहन, गणेश, दिनेश व नीरज कुमार आदि कार्डधारकों ने DM को एक पत्र सौंपा है। आरोप है कि गांव का कोटेदार राशन कम देता है, अंगूठा लगवाने के बाद कई दिन तक दौड़ाया जाता है, उसके बाद गाली गलौज देकर भगा दिया जाता है। कोटेदार द्वारा घटतौली भी की जाती है, साथ ही कार्डधारकों से दुर्व्यवहार भी किया जाता है। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए कार्डधारकों ने कोटे की दुकान की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। प्रेम शंकर मिश्रा कोटेदार हैं और हम लोग का समस्या है, हम लोग एक
कार्ड पर 2 किलो गल्ला कम पा रहे हैं, चना भी 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम कम दे रहे हैं। इसके बाद क्या है कि लोगों का अंगूठा लगता था, वो 1 महीना 2 महीना पाए, इसके बाद उनका अंगूठा नहीं लग रहा है। और वहाँ कोटा पर जाने पर लोग बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं है, लेना है लो, नहीं ठीक नहीं है, नहीं देंगे। इसके बाद क्या है कि सड़ा गेहूँ देते हैं, इसके बाद क्या है कि वहाँ लोग जाते हैं तो भगा देते हैं, हाँ अंगूठा लगवा कर 10 दिन बाद गल्ला देते हैं। ऐसी स्थिति में जाँच कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूरी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग औराई के समीप त्यूरी के पास हुआ है। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के सुनखरी मोहल्ले का निवासी 30 वर्षीय श्रीकांत उमर वैस उर्फ पिंटू औराई के महाराजगंज किसी कार्य से गया हुआ था। लौटते समय औराई के समीप GT रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां सरकारी अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। खमरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 डॉक्टर लोहिया नगर के नए पूरा नारे पार में लगभग 1.5 वर्षों से खुला नाला हादसों को दावत दे रहा है। भदोही जिले के इस नगर पंचायत में विकास के नाम पर तो करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन आज भी कई समस्याएं नगर पंचायत इलाके में बरकरार है। इन्हीं समस्याओं में से एक बड़ी समस्या खमरिया नगर पंचायत की यह भी मानी जा रही है। खुले इस नाले में पशु से लेकर मासूम बच्चे भी गिर कर चोटिल होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमृत लाल के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में पत्रकारों का उत्पीड़न रोके जाने की मांग की गई है। कहा कि प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। संगठन से जुड़े लोगों ने बलिया के पत्रकार रतन सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इस मौके पर प्रेम कुमार चौबे, शरद बिंद, रवि शंकर मिश्रा, विजय शंकर, विष्णु दुबे, अब्दुल वाहिद, सुशील कुमार पांडे, दिनेश यादव आदि पत्रकार मौजूद रहे। भदोही जिले के नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 8 शिवाजी नगर के मोहल्ले वासी जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र सौंपते हुए नगर पंचायत नई बाजार द्वारा नगर से निकले वाले कूड़े को मोहल्ले में फेंके जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। नई बाजार के शिवाजी नगर की फोटो सिंह, मीना, अनीता, उर्मिला, सावित्री, हीरावती व प्रभावती देवी ने कहा कि घनी आबादी के कुछ भूमि पर नगर पंचायत द्वारा कूड़ादान बनाया जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि फेंके जा रहे कूड़े की बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं, जबकि वहां पर सीवर लाइन व इंटरलॉकिंग सड़क का प्रस्ताव पास हुआ था। सीवर का कार्य आधा अधूरा आज भी पड़ा है। इंटरलॉकिंग व सड़क को ध्वस्त कर अब कूड़ादान बनाया जा रहा है, जिसे मोहल्ले वासियों ने रोके जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत मकनपुर गांव में चोरों ने सेंध लगाकर नकदी सहित आभूषण व अन्य कीमती सामान उठा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। बताया जाता है कि मुन्नीलाल यादव का परिवार रात में खाना पीना खाकर सो गया, जहां मकान के पीछे चोरों ने सेंध लगाकर आभूषण, नकदी, घी समेत कीमती सामान उठा ले गए। इस संबंध में मुन्नीलाल यादव ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे भूषण वर्मा को ज्ञानपुर तो कालू सिंह को भदोही की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में भदोही DSP कालू सिंह के सामने तुलसीचक मामले के खुलासे की चुनौती मानी जा रही है। आपको बता दें कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के तुलसीचक गाँव में चक मुरली गांव के समीप नदी में युवती का शव मिला था, जहां युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत बताया गया है। परिजन सहित ग्रामीण युवती के मौत का कारण कुछ और ही बता रहे हैं। इसी बात को लेकर मामला आज भी
पेचीदा बना हुआ है। इस मामले का खुलासा करना ही नए डीएसपी कालू सिंह के सामने बड़ी चुनौती जैसा है। भदोही जिले के अवराई विकास खंड के सीउर ग्राम सभा में जिम्मेदारों व ग्राम प्रधान की लापरवाही से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के बगल में सामुदायिक शौचालय बनवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के लोगों द्वारा एक विशेष वर्ग की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रतिमा के समीप बन रहे शौचालय को हटवाए जाने को लेकर ग्रामीण सोमवार को डीएम को पत्र सौंपते हुए शौचालय निर्माण रोके जाने की मांग की है। जिलाधिकारी को पत्र सौंपने वालों में बुधिराम गौतम, राजू दिनेश, लवकुश कुमार, भरतलाल आदि मौजूद रहे। जमीनी विवाद को लेकर बाजार से घर लौट रहे एक अधेड़ पर उसके ही भतीजों ने हमला कर दिया। मामला कोतवाली इलाके के करियाव चौरापुर बैदान का है, जहां प्रेमचंद पांडे नामक अधेड़ का आरोप है कि वह करियाव बाजार से अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में उसके भतीजों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल प्रेमचंद पांडे को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया, साथ ही हमले को लेकर कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के गड़ेरियापुर कोचिया मुख्यालय मार्ग लगभग 2 किलोमीटर तक कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिस पर पैदल चलना भी जंग जीतने जैसा है। आए दिन क्षतिग्रस्त कीचड़ युक्त इस सड़क पर साइकिल व मोटरसाइकिल चालक परेशान होते देखे जा सकते हैं, साथ ही राहगीर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसी मार्ग से होकर जनपद मुख्यालय जाते हैं। गांव से मुख्यालय जाने का यह शॉर्टकट मार्ग है, लेकिन यह मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के सीमा मिर्जापुर सेमरा घाट पर भैंस को नहलाते समय एक किशोर गंगा में समा गया। किशोर बर्जी निवासी पूर्वी डीसी रामचंद्र का पुत्र अभिषेक 12 वर्ष बताया गया है। वह कक्षा 8वीं का छात्र था, जहां भैंस को नहलाते समय यह हादसा हो गया। डूबते किशोर को कुछ लोगों ने देखा भी, इसकी जानकारी परिजनों को दी। रोते बिलखते परिजन घाट पर पहुंचे। मिर्जापुर पुलिस गोताखोरों के जरिए किशोर के शव के तलाश में जुटी रही। सोमवार की शाम भदोही शहर के स्टेशन रोड लिप्पन तिराहा से अहमदगंज गजिया तक दो छुट्टा पशुओं के आपस में भिड़ने से अफरा तफरी हड़कंप मचा रहा। दो छुट्टा पशु साढ़ आपस में गुत्थम गुत्थी करते रहे। दोनों साढ़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों सड़क पर ही अपना दम दिखा रहे थे। इस बीच लोग इधर उधर भागते रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपस में भिड़े इन छुट्टा पशुओं को अलग किया जाए। तभी लिप्पन तिराहे पर पीके ड्यूटी के दौरान मौजूद एक जवान लाठी लेकर सड़क पर उतर गया और किसी तरह दोनों को अलग किया। लड़ते लड़ते दोनों छुट्टा पशु अहमदगंज गजिया तक पहुंच गए थे। इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह छुट्टा पशुओं का भदोही शहर में आतंक कायम है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी के सामने एक तेज रफ्तार इनोवा कार के धक्के से साइकिल सवार 45 वर्षीय केशव प्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वह बिहरोजपुर गांव का निवासी था। इनोवा कार पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, जिसे चालक सहित पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही जंगीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज सगीर अहमद घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही जिले के अवराई ब्लॉक के
सुंदरवन स्थित विश्वकर्मा मार्केट में कांग्रेसियों की एक बैठक संपन्न हुई। जिला सचिव ब्लॉक प्रभारी मनोज गौतम मौजूद रहे। बैठक के दौरान बताया कि संगठनों के सृजन अभियान के तहत अब गांव का रुख किया जाएगा, जिससे पार्टी बूथ लेवल पर खड़ी किया जा सके। उन्होंने कहा कि औराई ब्लॉक के अध्यक्ष पद का दावेदार औराई ब्लॉक के गांव का ही बनाया जाएगा, इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष देव नारायण यादव, राकेश मौर्य, राजेंद्र मौर्य, शशांक तिवारी, मनोज, राजेश दुबे, संतोष धोबी, दिलीप कुमार, सूबेदार गौतम सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद भदोही जिले के कई विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर जमकर डीएम ने फटकार लगाई है। विकास भवन में अलग अलग कार्यालयों का जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया है, साथ ही तमाम जानकारी हासिल की, रिकॉर्ड फाइलों को दुरुस्त करने व साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। जिला विकास कार्यालय एवं परियोजना निदेशक DRDA कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संदीप कुमार मिश्रा अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना अधिकारी, DPRO मौजूद रहे। भदोही के रेवड़ा परसपुर में हिंदू जनजागृति सेना के पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपना दल यश के प्रदेश सचिव DM सिंह गहरवार व सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर वीर प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, नगर अध्यक्ष वीरूप संदीप यादव मौजूद रहे। बैठक में हिंदू जनजागृति सेना के संगठन के मजबूती पर भी बल दिया गया, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर मौजूद पदाधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर हसीब अंसारी, सौरभ चौरसिया, अविनाश यादव, महेश गिरी व सूरज दुबे मौजूद रहे। भदोही जिले में सोमवार को आई संक्रमितों की रिपोर्ट में 13 और नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 1088 पहुंच गई है। CMO कार्यालय ने जिन 13 मरीजों की जानकारी दी है, उसमें अभोली के मतेथु का 63 वर्षीय व्यक्ति, सदोपुर का 30 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर आजाद नगर गोपीगंज की 48 वर्षीय महिला, गलेरियापुर का 48 वर्षीय व्यक्ति, 52 वर्षीय व्यक्ति, 20 वर्षीय युवक, 35 वर्षीय महिला, भदोही के नई बाजार की 27 वर्षीय महिला, रसपुरा फेस टू की 29 वर्षीय महिला के अलावा 4 अन्य संक्रमित मरीज शामिल हैं। हम उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो सत्यम न्यूज वेब TV को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं और अपने आसपास की खबरों को भेजकर हमारे टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब TV को सब्सक्राइब करें। हम उनका भी शुक्रिया व आभार व्यक्त करते हैं जो सत्यम न्यूज वेब TV की खबरों को कमेंट व लाइक कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल बुधवार को होगी मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।